बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद का दौरा है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में सीएम योगी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार मेला एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी का लगभग 12 बजे का मुरादाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सीधा डॉक्टर बीआर अंबेडकर पुलिस अकादमी पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में रोजगार मेले और नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। आपको जानकारी दे देते हैं कि एक दिवसीय रोजगार मेले में 50 से ज्यादा कंपनी 10,000 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए इंटरव्यू लेगी। इससे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी कि रविवार के दिन वाराणसी पहुंचे। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, कुछ लोग नकाब पहनकर घूम रहे हैं, कोई भी जाति धर्म देश से बड़ा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कारनामे कौन नहीं जानता। देश की कीमत पर विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने तो मोर्चा संभाला ही है। इसके साथ ही सीएम योगी पार्टी की युवा इकाई में भी जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान भाजपाइयों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मंच संभालते ही सीएम योगी ने दो टूक मंत्र दिया कि पहले देश है फिर हम है, कोई वर्ग या भाषा देश से बड़ी नहीं हो सकती। हम सभी को मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करना होगा। दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है फिर हम। वही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि सामाजिक ताने बाने को खत्म करने वाले आज फिर मुखौटे पहनकर देश को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए महापुरुषों का अपमान करते थे, वोट के लिए अब उनकी आरती उतार रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की। जब भी उनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। के लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। वाराणसी में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मंत्र देकर सीएम योगी चंदौली के लिए रवाना हो गए, जहां सीएम योगी ने रामगढ़ में बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव और 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में सीएम योगी लगातार तीसरी बार शामिल हुए और बाबा कीनाराम को समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। सीएम योगी ने कहा कि बाबा कीनाराम ने समाज के लिए काम किया और समाज की कुरीतियों से लड़े, अपनी साधना से मुगल आक्रांताओं को सबक सिखाया, क्योंकि संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।